हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अगेन अड्डा 24/7 सीयूटी के परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस बता दीजिए, कितना कॉम्पिटिशन रहता है, क्या सेफ स्कोर रहेगा अगर हम लोग जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो किस तरीके से पूरी एडमिशन प्रोसेस होती है उसके बारे में बता दीजिए। तो ये कंप्लीट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आप लोग सपने देख रहे हो ना उसको तोड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए कि इसके स्टेप्स को मैंने 4 स्टेप्स में रखा है। अब 4 स्टेप्स के अंदर क्या है कि पहली जो स्टेप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि सर सीयूटी 2024 का फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो उस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप लोगों को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। और जिन जिन कोर्सेज के लिए आप लोग जाते हो उन कोर्सेज के लिए भी आप लोग क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मौका दे देती है कि भैया अगर आप लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया तो भी आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, बट अपनी सेफर साइड के लिए आप लोगों को यह काम कर लेना है कि आप लोग फॉर्म फिलिंग करोगे उस दौरान आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैसे करना है, कैसे करते हैं सीयूटी का फॉर्म फिलिंग, वो मैं आपको सभी को बता दूंगा जब आप लोगों का फॉर्म आएगा। सेकंड चीज, आप लोगों का इसके अंदर क्या होता है कि सर हमने क्या कर लिया, फॉर्म भर दिया, मैंने उसको वहां पे टिक मार्क भी कर दिया, यूनिवर्सिटी को कोर्सेज को भी टिक मार्क कर दिया, सीयूटी का एग्जाम मैंने दे लिया है। और सीयूटी के एग्जाम के बाद में अब जब आप लोगों का रिजल्ट आता है और रिजल्ट और मैं बोलूंगा कि आंसर की के बीच के टाइम पे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम लगातार 2 साल से वो क्या करती है, अपनी फॉर्म फिलिंग को ओपन करती है। यानी कि वो क्या करती है, अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है यानी कि एडमिशन जो प्रोसेस है उसको वहां पे स्टार्ट कराती है। उसका खुद का एक पोर्टल है CSAS पोर्टल, जिसके ऊपर वो आप लोगों से रजिस्टर करवाती है। वहां पे क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या कर लिया, पेपर वगैरह दे लिया है और यहां पे फेज 1 के अंदर क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS पोर्टल है उसके ऊपर आप लोगों को रजिस्टर्ड कर देना। रजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि जो भी डिटेल वो आप सभी से मांग रहे हैं वो आप लोगों को क्या कर देना, वहां पे फिल कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपका नेम है, आपका जो आप लोगों का मेल हो फीमेल हो यानी कि आप लोगों का जेंडर है, इसके अलावा आप लोगों की वहां से फोटोज हैं और साथ ही आप लोगों का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, इनको क्या करती है, ऑटो इंटीग्रेट कर लेती है। यानी कि जो आप लोगों ने सीयूटी के फॉर्म फिलिंग में भरे हैं उन्हीं को यहां पे वो ले लेती है, ऑटोमेटिक वो इंटीग्रेट कर लेती है। तो आप सभी को क्या करना है बेटा, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहां पे गलतियां ना हो, अदरवाइज फिर यहां पे आप लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि सर ये हमने कर लिया। सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस हैं उनको भरना है। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि किस कोर्स को आप लोग पहले प्रेफर करना चाहते हो, किस कॉलेज को, नॉर्थ कैंपस को ऊपर रखना चाहते हो, या जो भी आप लोगों की प्रेफरेंसेस हैं उनको वहां पे आप लोगों को भर देना है। और मैं तो ये कहूंगा कि मैक्सिमम प्रेफरेंसेस आपको भरनी है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के चांसेस इंक्रीज हो जाए वहां पे एडमिशन के। इसके बाद में लास्ट जो होता है वो क्या करती है, फेज 3 के अंदर आप लोगों को सीट एलोकेशन होती है। सीट एलोकेशन का मतलब आप लोगों को एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के दौरान आप लोगों की कट ऑफ से अगर आप लोगों की मैच कर देती है तो सीट आपको मिल जाएगी। और सीट मिलने के बाद में क्या होगा, आप लोगों को उसको एक्सेप्ट करना है, फिर आप लोगों को फीस सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आप लोगों को क्या करना है, फीस सबमिट कर देनी है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की तरफ हम लोग चलते हैं कि भैया आप लोग जब सीयूटी का फॉर्म फिलिंग करते हो तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेशल मांग है कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों ने क्लास 12th को पास किया है या इस बार पास करने वाले हो उन्हीं का पेपर आप सभी को देना है। किसके अंदर, सीयूटी के अंदर। समझ में आ गई बात। ये देखो यहां लिखा हुआ है, मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपियर इन सीयूटी यूजी 2024 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपियरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th। ये दिमाग में रख लीजिए, यानी कि लैंग्वेज आपने जो लिया है उसको आप लोग कर लीजिए। 3 डोमेन्स मेनली अगर मैं बात करूं, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, बाकी आर्ट्स के भी 3 डोमेन्स कम से कम रखते हैं और कॉमर्स के भी 3 डोमेन्स आप सभी के पास होते हैं। यानी कि सर ये सारी चीजें आप सभी के पास होनी चाहिए, लैंग्वेज और 3 डोमेन जो भी आप लोग ले रहे हो वो वहां से कहां से होने चाहिए जो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखे हो। स्पेशल मैंडेटरी अगर नहीं है तो जब सब्जेक्ट मैपिंग आपकी होगी तो उस टाइम पर आप लोग बाहर हो जाओगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला। साथ ही इन्होंने क्या बोला है, एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन सीयूटी यूजी 2024। यानी कि आप लोगों का जो एडमिशन होगा वो किससे होगा, आप लोग जो स्कोर लेके आओगे उसके बेसिस पे, परसेंटाइल पे नहीं होगा, ये दिमाग में रख लेना है। तो ये आप लोगों का क्या है, पूरा लेआउट है। अब लेआउट में आप लोगों ने मेन चीज क्या समझी कि भैया पहले मेरे को सीयूटी में पेपर दे लेना सीयूटी में, लेकिन मुझे क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट मुझे वही पेपर्स करने हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट में ले रहा हूं वो वही करने जो मैंने क्लास 12th के अंदर पढ़े, अदरवाइज मैं क्राइटेरिया से बाहर हो जाऊंगा, सब्जेक्ट मैपिंग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। अब देखो CSAS पोर्टल होता है, उसकी फीस भी होती है, आप लोग जानते हो। अब फीस के लिए क्या होता है कि जैसे जनरली 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो
जर्नल हुआ, ओबीसी एनसीएल हुआ, ईडब्ल्यूएस से उन्होंने 250 रुपए लिए थे, और उसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है उनसे उन्होंने 100 रुपए लिए थे। तो यार ये इनका क्या होता है, फी स्ट्रक्चर होता है। इतना फी पेमेंट करके आप लोग एडमिशन है उसकी प्रक्रिया के अंदर आगे बढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर यहां पे कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, कितना कंपटीशन रहा, किस तरीके से रहा, तो बेटा देखो कंपटीशन की बात करता हूं तो 2022 के अंदर तो देखो रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट कितने थे, 217,653 स्टूडेंट थे रजिस्टर्ड करने वाले, लेकिन फाइनल सबमिट किए, फाइनल सबमिट का मतलब है जिन्होंने फी पेमेंट कर दी थी, तो वो थे 176,221। यानी कि सर यहां पे देखूं तो लगभग बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जब 2023 की बात करूं तो यहां पे सडनली उछाल आ गया। क्यों आ गया, उसके पीछे का रीजन ये था कि पहले एडिशन के अंदर लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। अब क्या हुआ, 2023 की मैं बात करता हूं तो 304,699 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या किया, रजिस्टर किया, लेकिन सर यहां पे फाइनल सबमिट यानी कि फी पेमेंट कर दिया था 245,235 स्टूडेंट्स ने। यानी कि सर अगर यहां से आप लोग सीधा सीधा देखोगे तो 24 लगभग यहां पे 24 हो गया 45, ये हो गया लगभग 50, और 24 लगभग 70,000-75,000 लोग ज्यादा आ गए, यानी कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ। अब 2024 की अगर मैं बात करता हूं तो जो उम्मीद की जा रही है वो यही है कि यार देखो 304,000 तो पहुंच गया था, तो 3.5 लाख प्लस ये जाने वाला है इस बार आंकड़ा, और लगभग 280,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, जो क्या करने वाले हैं, फाइनल सबमिशन करने वाले हैं। यानी कि सर कॉम्पिटिशन तो इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे, क्योंकि यार देखो जब जितने लोगों को ज्यादा पता लगता जाएगा उतने ज्यादा लोग क्या होंगे इसके अंदर अपियर होंगे, कॉम्पिटिशन बनेगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है, अपनी तैयारी पे फोकस करते हुए चलना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हम लोग सर वहां पे मैं बोलूं कि यार ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर ध्यान नहीं दोगे ना भैया कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। इसके बाद में जो है वो ये कि सर सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर का मतलब ये है कि बेटा जिसमें आप लोगों को कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सेफ स्कोर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाईली कॉम्पिटिशन वाले सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आप लोग सोचने लोगों, थोड़ा सा सोचिएगा, सेफ स्कोर का मतलब है कि इस पे आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3 कैंपसेस के अंदर बांटा जाता है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस की बेटा सबसे ज्यादा डिमांड है, अगर आप लोगों का कट ऑफ बन रहा है 800 में से, यानी कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन का अगर आपका सब्जेक्ट वो पूरा उसका कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में आपको 750 प्लस अगर आपका आ रहा है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो नॉर्थ कैंपस आप लोगों को मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल कैटेगरी के लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, इसके अलावा एससी एसटी है तो उनका वहां पे थोड़ा कम होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर साउथ कैंपस की बात करते हो तो 650 प्लस आपका होना चाहिए, और अगर आप लोग ऑफ कैंपस की बात करते हो तो 450 प्लस आपका होना चाहिए। देखो याद रखना कि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें कट ऑफ ज्यादा जाती है, जैसे मैं अगर कर रहा हूं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूं तो भैया ज्यादा जाएगी, बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूं तो उसके अंदर ज्यादा ही जाती है कट ऑफ, तो थोड़ा सा वहां पे अपने आप को थोड़ा सा देख के चलना है। तो ये क्या है, सेफ स्कोर है, इसको आप लोगों को इतना तो मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम है स्कोर जो आपको करना है सीयूटी के अंदर, इससे ज्यादा ही स्कोर आपका आना चाहिए। इसके बाद में अगर आउट ऑफ 600 की मैं बात करता हूं, साइंस के मोस्टली स्टूडेंट होते हैं तो साइंस के लिए कितना आएगा, साइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का अगर नॉर्थ कैंपस की बात करता हूं तो 420 प्लस का स्कोर होना चाहिए, जिससे नॉर्थ कैंपस इजीली आपके जेब में आ जाएगा। और अगर साइंस की अगर बात कर रहे हो साउथ कैंपस के अंदर तो 330 प्लस अगर आप लोगों का है जनरल कैटेगरी में तो भी आपका काम हो जाएगा, और बेटा साइंस में अगर 250 प्लस है जनरल कैटेगरी में तो ऑफ कैंपस आपको मिलने के पूरे चांसेस है। सबसे चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को मिलती है, और कब मिलती है, जो लास्ट तक लड़ता है। लास्ट तक लड़ने का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे आप लोगों के रेगुलर राउंड्स होते हैं, फिर आप लोगों के वहां पे बेटा स्पॉट राउंड्स आ जाते हैं, फिर स्पेशल स्पॉट राउंड्स आ जाते हैं, और इस बार तो मॉपअप भी ला दिया था, तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इतना स्कोर आपको करना ही करना है। अब सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है जिसकी मैं बात करता हूं, जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो बेटा, तो उसकी मैं यहां पे बात कर लेता हूं। देखो यहां पे मैं खुद लिख देता हूं उसको, देखो क्या है वो आप सभी के लिए होता है। यहां पे आप लोगों को कम एक लैंग्वेज लेके चलनी है, आप लैंग्वेज कोई सी भी हो चल जाएगी, साथ ही 3 डोमेन लेने, क्या लेना है, 3 डोमेन लेने और 1 जीटी लेना है। इससे क्या होगा कि ये मान के चलिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कोर्सेज है ना बेटा, उसमें से 90 to 95% कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेने से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब मान लो कि मेरे को उर्दू करना है तो उर्दू के अंदर आपको मौका मिलेगा, आप जिसने उर्दू लिया तो उर्दू वालों को पहला मौका मिलेगा, आपने लैंग्वेज हिंदी लिया तो आपके चांसेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जब सीट्स उसके अंदर बचेंगी तब जाके आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए मैंने 90 to 95 लिखा, अदरवाइज आप लोग 100% इसको मान के चलिए कि आपके पास एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जीटी है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, ये याद रखना है। लेकिन इतना आपको रखना है अपने पास, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जीटी, इतना आपके पास होना ही चाहिए, दिमाग में बिठा लीजिए। और डोमेन अगर कोर लेते हो ना तो वो सबसे बेस्ट है, कोर डोमेन सबको लेना।
समझ में आ गया। तो ये हमने क्या देख लिया, कंपटीशन देख लिया, सेफ स्कोर देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार देखो, आपको अगर तैयारी जबरदस्त करोगे तभी जाके ये जो 700 750 800 का जो टारगेट होता है ना इसको मीट कर पाओगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ हमारे प्रीमियम कॉन्टेंट के अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। इसको अगर लगाते हो तो आप लोग गाइडेंस में आ जाओगे, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, और फिर मजा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी उसके अंदर हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, तो Y485 आप लोगों को लगाना है और जाके आप लोग क्या कर पाओगे, एनरोल करिए। लेटेस्ट बैच हमारे ये आप लोगों के लिए आए हैं तो इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। 21 तारीख तक है, 21 तारीख से ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बेटा, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग gajendra.kumar@adda247.com है, इस पर आप लोग मेल कर दीजिएगा। आपके बड़े भाई की तरह कोई दिक्कत नहीं, आपकी हर प्रॉब्लम हर चीज में साथ रहूंगा, चाहे आप लोग के सीनियर्स हैं उनसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब यहां से आपको कैसे एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, गूगल पर Adda247 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस खुल जाएगा, यहां पे ऑल कोर्सेज पे आप लोगों को क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो बेटा यहां पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे सेलेक्ट करना है, CUET पे आप लोगों को क्लिक करना है। देखो आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, जिस भी स्ट्रीम के आप लोग उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक कर दिया। यहां पर देखिए जितने भी लेटेस्ट बैचेस आप सभी के आते हैं वो सारे के सारे यहां पर आपको दिख जाते हैं। जैसे अभी निपुण 2.0 है तो 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसके अलावा सारे बैचेज है वो आपके सामने है, तो आप लोग इस पर एनरोल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक चीज बोलूंगा, एडवाइस को मानिएगा, सबसे बेस्ट है आप लोग एनरोल करो हमेशा महापैक में करना। उसके पीछे का रीजन है आपके पास बुक्स भी घर पे आएंगी, आप लोगों को यहां पे जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है वो भी आप सभी को मिल जाएगा, साथ ही आप लोगों को जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएंगी, यानी कि और इसके अलावा जितने भी हमारे बैचेज आएंगे, चाहे कोई बोर्ड का बच्चा है तो क्रैश कोर्स भी आएगा वो भी मिल जाएगा, और CUET से रिलेटेड जो पहले बैचेज आए हैं उनका एक्सेस भी मिलेगा, साथ ही जो अब आगे आएंगे जितने भी बैचेज उन सभी का एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि सर एक तरीके से मैं बोलूं बाप ऑफ ऑल दी बैचेस वो आपका ये होता है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे बेटा, क्लिक करते ही आप सभी को क्या करना है, यहां पर बाय नाउ पे जाओगे और बेटा देखो यहां पर ये लिखा हुआ है ना एंटर कूपन कोड, इस पर आपको लगाना है Y485। भैया जैसे ही Y485 आप लगाएंगे, देखिए Y485 लगाएंगे तो देखो Y485 लगाते ही आप लोगों को 9129.17 का मिल जाएगा। ऐप के ऊपर जाओगे तो लगभग 500 रुपए और कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे याद रखना, कूपन कोड याद रखिएगा Y485, इससे क्या मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाता है। साथ ही अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है या इंडिविजुअल बैच लेना चाहता है तो इंडिविजुअल भी कर सकता है, कॉमर्स आर्ट्स का जो भी है। जैसे भैया यहां पे आप लोग जाओगे तो देखो लेटेस्ट बैचेस है उनमें भी जा सकते हो। अब यहां पे देखो ये रहा, अगर नहीं दिख रहा है कोई बैच तो व्यू नाउ ऑल पे जाना है और यहां पे देखो ये रहा निपुण 2.0, तो इस पे आप लोगों को जाना है और यहां पे जैसे ही जाओगे तो बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो देखो ये रहा, यहां पे कूपन कोड लगाना है Y485। जैसे ही लगाओगे भैया देखो ये रहा, ये 6600 रुपए का आप सभी को मिल जाएगा, 6600 रुपए का अराउंड मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। यानी कि एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा, देखो 6600 का यह बैच है, अगर इसमें लगभग 2500 रुपए मिला के आपको महापैक में आपको मौका मिल रहा है तो आप लोग महापैक के अंदर करिए, जिससे आप लोगों को अपनी जो चीजें हैं उनको आप लोग इंक्रीज कर पाओगे और चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है बेटा, सो आई होप सारे डाउट्स आप लोगों के दूर हो गएंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आप लोग किस चीज पे वीडियो चाहते हो, वो आपको मिल जाएगी और आपके सारे डाउट्स को हम लोग दूर कर देंगे। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में Adda247 CUET चैनल के ऊपर।